जिसका विषय है स्वच्छता एंड स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत मैंने ये मॉडल बनाया है। अब मैं आपको इसकी कार्य प्रणाली तथा सिद्धांत बताना चाहता हूँ। इसमें धुएं को शक्तिशाली मोटरों द्वारा इस चैम्बर में अवशोषित करते हैं। चैम्बर की दीवारों पर कार्बन अवशोषक लगे हैं जो धुएं के भारी कणों को, हानिकारक कणों को सोख लेते हैं। बचे हुए धुएं को एक अन्य मोटर द्वारा इस पाइप से गुजारते हैं। इस पाइप में भी कार्बन अवशोषक लगे हैं जो धुएं के भारी कणों को, हानिकारक कणों को सोख लेते हैं। बचे हुए धुएं का इस पाइप का संपर्क इस चिमनी से किया जाता है। इस चिमनी में भी कई प्रकार के एयर फिल्टर लगे हैं जो धुएं के भारी कणों को, हानिकारक कणों को छान लेते हैं और साफ धुएं को वायुमंडल में छोड़ते हैं। और धुंध में भी इसकी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। और थोड़ा अंतर बताइए, पाइप का संपर्क पहले इस हीटर से किया जाता है, इस चैम्बर से किया जाता है। इस चैम्बर में कई प्रकार के हीटर लगे होते हैं जो उसकी जल वाष्प को द्रवित कर जल में बदल देते हैं और उससे हमें जल भी प्राप्त होता है। उसका हम ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर फिल्टर या अन्य विधि द्वारा उसे शुद्ध कर सकते हैं और उसका प्रयोग सिंचाई में कर सकते हैं। और जो उसका धुआं होता है उसको हम चिमनी से एयर फिल्टर द्वारा साफ करके वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो हम इसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लगा सकते हैं जहाँ जल भी कम है और वायु प्रदूषण भी अधिक है। इससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो हमें जल भी प्राप्त होगा और वायु प्रदूषण भी कम होगा। अब मैं आपको इसके अंदर का देखो, इसमें ये कार्बन अवशोषक लगे हैं जो धुएं के भारी कणों को सोख लेते हैं। इसका प्रयोग हम जमीन में इसे दबा के या जूते पॉलिश आदि बना के अन्य विधि में ला सकते हैं। और ये इसके अंदर का, इसमें कई प्रकार की मोटरें लगी हैं, शक्तिशाली मोटरें। और हम इसी कार्बन अवशोषक को इसकी दीवारों पर भी, अन्य जगहों पर भी लगा सकते हैं। अभी मैंने ये सिर्फ मॉडल के रूप में तैयार किया है। इसका विचार मेरे को जब दीपावली का समय था, काफी प्रदूषण बढ़ चुका था और दिल्ली में भी काफी प्रदूषण बढ़ चुका था, तो मैंने सोचा आजकल मेन मुद्दा वायु प्रदूषण में चल रहा है, क्यों ना मैं वायु प्रदूषण के संबंधित कुछ बनाऊं। तो इससे मेरे को